हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल मल्टी डिग्री एजुकेशन। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं नीट पीजी का जो एग्जाम डेट है उसके पोस्टपोन के रिगार्डिंग हम पूरी डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एज पर द एस्पायरेंट कंटिन्यू द देयर डिमांड्स, और लोग जो एस्पायरेंट्स है अपने डिमांड्स को कंटिन्यू कर रहे हैं फॉर द एग्जाम पोस्टपोन के रिगार्डिंग नीट पीजी के, एंड द डेलीगेशन ऑफ द फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन FAIMA हेडेड बाय द चीफ एडवाइजर फाउंडर एंड एक्स जनरल सेक्रेटरी मेट द ऑफिशियल ऑफ हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ January 31। द डेलीगेशन विल बी मीटिंग होगा ऑफ द हेल्थ मिनिस्ट्री इन नेक्स्ट टू डेज रिगार्डिंग एग्जाम पोस्टपोनमेंट, एंड डिसीजन इन दिस रिगार्ड विल बी टेकन आफ्टर दैट। आप लास्ट के जो कुछ डेज है, पास सेवरल डे, नीट पीजी 2023 का जो एस्पायरेंट है, एज पर द वेरियस डॉक्टर्स एसोसिएशन हैव बीन डिमांडिंग टू पोस्टपोन द नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट पोस्ट ग्रेजुएट 2023 का जो एग्जाम डेट है जो शेड्यूल किया गया था March 5, 2023 को, उसको पोस्टपोन के रिगार्डिंग पूरी डिस्कशन चल रही है। और बोलते नहीं है उसको, डिमांड्स किए जा रहे हैं, कंटिन्यू डिमांड्स किए जा रहे हैं फॉर द पोस्टपोन के लिए। दे आर डिमांड टू फर्दर एक्सटेंड द रिसेंटली रिवाइज इंटर्नशिप कट ऑफ डेट्स। आई हैड मीटिंग्स विद ऑल द ऑफिशियल ऑफ मिनिस्ट्री विल बी मीटिंग हिमसेल्फ टू इन टू डेज। They are searching for every chance to postpone main hurdle being TCS online exam company to deny it for any vacant dates for exam before September. Otherwise, they were convinced still will try my best. Dr. Manish Jangra, founder and Fiverr tweeted किए गए थे उनको। इसके रिगार्डिंग मुझे कोई भी लेटेस्ट अपडेट मिलती है आपको सबसे पहले आपको बता देंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।